गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले वीडियो में हमने संधि का दीर्घ संधि और गुण संधि हमने कर लिया था, ठीक है। संधि की परिभाषा, संधि के भेद और दीर्घ संधि के दो भेद हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। दीर्घ संधि और गुण संधि, शायद वो समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर मुझे उस टाइम पे जब आप फ़ोन करोगे तब मुझे टाइम नहीं होगा, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी। पूछ लें आप कैसे है क्या है, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक। अब आज हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि का अर्थ ही क्या है, बढ़ना। आया समझ में, वृद्धि का अर्थ क्या है, बढ़ना। तो देखिए इसमें अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ए या आई तथा ओ और आ के बाद, जैसे ओ और ओ या आ के बाद ए या आए आए, ओ धन ए आए तो भी आए होगा और आ धन ए आए तो भी आए होगा, ठीक है। वृद्धि होगी उसमें, ठीक। मात्राओं की देख लेना, भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, ठीक है। और मैंने बता दिया ओ धन ए आए तो भी आई होगा, आधन आए आए तो भी आई ही होगा, आधन आए आए तो भी आई होगा, औधन आए आए तो भी आई ही होगा लास्ट में, ठीक। अब तथा ओ और आ के पश्चात ओ या अब आए तो, क्या ओ और आ के बाद, यानी ओ और आ के बाद ए आए आए तो दोनों का आई हो जाएगा। तो अब ओ और आ के बाद ओ और अब आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। ओ धन अव आए तो भी अव ही आएगा, अव धन यानी आधन अव आए तो भी अव ही होगा। आया समझ में, जैसे ओ धन ओ तो भी अव और आधन अव तो भी अव। इसमें ओ धन आ के बाद ए या आए आए तो भी आए आएगा, और इन दोनों में और आ के बाद ओ आए तो भी अव और आधन अव आए तो भी अव, ठीक। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण देखिए, एक एक यानी एक ओ, किसका उच्चारण हो रहा है ओ, औधन ए, औधन ए बराबर क्या आ जाएगा आई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक एक, यानी जहां पे भी दो मात्राएं हो जाएंगी वहां पे वृद्धि संधि होगी, ठीक है। जहां पे भी दो मात्राएं आएंगी तो वहां पर वृद्धि संधि, ठीक। आया समझ में, एक ओ औधन ए आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बताया था, औधन ए आया तो आई हो जाएगा, तो एक एक हो गया। आया समझ में। इसके बाद है सदाधन ए यानी आधन ए, आधन ए बराबर आई, तो सदैव, तो शब्द बन रहा है हमारा सदैव। फिर वैसे ही वन धन ओ, वन नहीं, वन धन औषधि है ना, तो नौ ओ धन ओ बराबर औ, तो क्या हो जाएगा, वन औषधि, वन औषधि। फिर महाधन औषध है ना, महा आधन औ बराबर औ, तो महौषध क्या हो जाएगा, महौषध। समझ में आ गया, जहां पे भी ऐ या औ वाले शब्द आएंगे तो वहां पे हमें सीधे क्या लगा देना है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत सरल है, तो आराम से जैसे पहचानने के लिए आते हैं वहां पे, मैं छोटी क्लासों में तो पहचानने के लिए दूंगी, फटाफट से आप जहां पे भी जो है वो फटाफट लगा देंगे। इसमें जहां पे भी डबल मात्राएं आ गई तो वृद्धि संधि। आया समझ में। इसके बाद दूसरा देखिए यण संधि। सबसे पहले कौन सी संधि, दीर्घ संधि पढ़ी, आपको पता है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो उसमें दीर्घ में आ जाएगा। गुण में पता है आपने कर लिया है, फिर वृद्धि अभी करा दिया, और अभी हम दूसरा हम पढ़ेंगे यण संधि, यानी चौथा स्वर संधि का चौथा उदाहरण, चौथा भेद क्या है, यण संधि। यण संधि देखिए, यदि ई उ औ री के बाद, यानी क्या क्या आएगा, इ ई आएगा, उ आएगा और औ और री, री के बाद भिन्न स्वर, यानी इन स्वरों के अलावा कोई भी स्वर आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाँ स्वर आए तो इ और ई का य, जहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यदि इ ई उ ओ री औ री के बाद भिन्न स्वर आए तो इ ई, ई का क्या हो जाएगा, य, ई और ई आए तो य हो जाएगा, और उ आए तो व हो जाएगा, तथा री आए तो क्या हो जाएगा, उसका र हो जाता है। आया समझ में। ई का य,
उ का व, री का र हो जाता है। यानी जहां पे भी आप आधे शब्द वाले आधे शब्द देखोगे वहां पे सीधे आपको लगा देना है यण संधि। सरल भाषा में समझा रही हूँ कि वृद्धि में क्या है, डबल मात्रा है, जहां पे आ गई वहां पे क्या आ जाएगा, कौन सी संधि आ जाएगी, वृद्धि संधि। और यण संधि में क्या होगा, जहां पे भी आधे वाले शब्द आपको दिखेंगे, य व र का उच्चारण जहां पे भी आ गया, आधे भी होंगे, वहां पे सीधे आपको लगा देना है कि वहां पे क्या है, यण संधि है। जैसे देखिए अनुधन अय, अनु उधन अ है ना, तो क्या हो जाएगा वो, तो अन्वय क्या आ जाएगा, अन्वय। नौ आधा है ना, तो आधा वाला जहां पे भी है क्या लगा देना, बोला है मैंने यण संधि, तो यहाँ पे यण संधि लगा देना है। ठीक है, क्या था इसमें, ई का क्या हो जाएगा, य उ का व, तो यहाँ पे क्या है, अनु उ धन ओ बराबर व आ रहा है यहाँ पे, तो अन्वय हो जाएगा। फिर इसके बाद अत्यधिक, अति धन अधिक, इ धन ओ बराबर यो, आया समझ में, यहाँ पे क्या था, ई का क्या हो जाएगा, यो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अत्यधिक यो आ रहा है ना, आधा भी है तो और यो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यण संधि। फिर इसके बाद री का रो हो जाएगा, बोला है ना, तो मात्र धन इच्छा, मात्र री की मात्रा है, री की मात्रा कैसे लगती है आपको पता है ना, ऐसे लगती है री की मात्रा, ठीक नीचे लगती है, ये री की मात्रा कहलाती है। तो मात्र हमने लिखा मात्र, तो मात्र धन इच्छा, री धन ई बराबर रो, तो क्या हो जाएगा, मातृ इच्छा, रो का उच्चारण हो रहा है ना, मातृ इच्छा। फिर सुधन आगत यानी स्वागत, सु उधन आ बराबर क्या हो जाएगा वो, तो वहां पे क्या है, स्वागत, क्या है, स्वागत। तो यहाँ पे आधे वाले जहां पर भी शब्द आएंगे ऐसे, तो वहां पे क्या लगाना बोला है मैंने, यण संधि। ठीक है, आपको छोटे बच्चों को पहचानने के लिए दूंगी और बड़ों को उदाहरण सहित भी दूंगी और परिभाषा सहित, पूरा परिभाषा उदाहरण देकर समझाओगे, आए समझ में, ध्यान से इनको सुन ले, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे फोन करते हैं, ठीक, ओके।